न्यूज बाइस स्कोप और मैं हूं आफ्ताब आलम। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से अपने कबूलनामा पेश किया, खुद उन्होंने कबूल किया श्री कृष्ण बाबू की जयंती के खास मौके पर, कि जिस तरीके से वो फोन पे बात करते हैं अखिलेश सिंह को उन्होंने ही मंत्री बनाया था, ये एक बड़ा सवाल नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जाँच की मांग की है। इस पर बिहार और देश की सियासत गर्म हो चुकी है। इसके साथ साथ जिस तरीके मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस में होने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू ने कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, एक बड़ा सवाल ये भी है, ये भी जो है कि बड़ी खबर है। तो कहीं ना कहीं सियासत गर्म होती नजर आ रही है। इसके साथ साथ आनंद मोहन जो कि पूर्व सांसद हैं, जो है कि जदयू में भी रह चुके हैं, उनके बेटे आरजेडी के विधायक हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह उनके घर पर पहुंचे हैं। तो इस पर भी बिहार की सियासत गर्म है। और आज बता दें कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में विशेष बैठक चल रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे जो है कि विधायक हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिहार की सियासत के लिए सबसे बड़ी खबर आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो के मामले को लेकर जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि जांच कैसे हो पाती है, या हो पाती भी कि नहीं हो पाती है, लेकिन इस मामले को लेकर जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो जो है कि साफ तौर पे जो है कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो का बचाव करते नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने में हम हैं, बिहार की राजधानी पटना में हैं, और हम कह सकते हैं कि बिहार में अगर कहें तो महागठबंधन की सरकार की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और ये सरकार के खिलाफ में जो है कि बहुत सारे जो अभी देखेंगे बीपीएससी का जो मामला चल रहा है, तो सबसे पहले हम अपने जो विवेक रंजन है सहयोगी उनसे बातचीत करेंगे। नहीं, उसके पहले हम लोगों से बातचीत पहले कर लेते हैं। आप बताइए कि आज जो बैठक चली थी क्या कहेंगे? ये नेता लोग बताएंगे, हम तो जिला अध्यक्ष हैं। हाँ, तो नेता तो आप ही हैं जिला। नहीं, नेता माननीय। अच्छा, एक सवाल बताइए कि लालू प्रसाद यादव जेल से बात करते हैं? ये नहीं बता सकता हूँ। अच्छा। हमारे माननीय जो आए हैं वही लोग बता सकते हैं। आप भी तो नेता हैं ना सर? मैं नेता नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा जी, तो इस बार क्या है, मतलब मिशन क्या है? मिशन 400 पार हम लोग करेंगे। अच्छा जी, तैयारी चल रही है एकदम युद्ध स्तर पे। अच्छा। इसमें मैं शेखपुरा जिला अध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर कुमार बिंद जी। क्या तैयारी आप लोग की जिले में? मतलब बूथ स्तर तक मेरी तैयारी है और शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का दिशा निर्देश का हम लोग अक्षर पालन करते हैं। इंडिया अलायंस भी बहुत मजबूती तरीके से काम इस पे मैं नहीं चर्चाऊंगा। मेरे प्रदेश के हमारे हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो इस पे फोन पे बात करते हैं, सही? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। व्यक्तिगत किन्हीं से व्यक्तिगत किन्हीं से भी बात हो सकती है। जेल से बात करना सही है, राजनीतिक तंत्र अलग है। अच्छा। और व्यक्ति विशेष एक अपना होता है ना। जेल से बात करना सही गलत है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बात धन्यवाद। साहब बताइए क्या कहना चाहिए? आज हम लोगों की संगठनात्मक बैठक हो रही है। संगठन के मजबूती पर कैसे हम लोग गांव तक पहुंचे, अपनी जो योजनाएं हैं उसको कैसे गांव तक पहुंचाएं, गांव के लोगों को बताएं, अपनी संगठन की विचारधारा को बताएं, इस पर बातचीत हुई। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी ने हम सभी प्रदेश, पूरा बिहार प्रदेश के जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको संबोधित किया, अपने विधायक सांसद MLC को संबोधित किया, विधानसभा विस्तारक से लेकर लोकसभा विस्तारक तक को संबोधित किया। तो कैसे हम लोग चुनाव जीते हैं और अपनी संख्या और जो मेरा लक्ष्य है हम लोगों की संगठन का, जो 303 से ऊपर कैसे जाएं, ताकि जो हम लोगों का मूल उद्देश्य है इस राष्ट्र को चिरंजीवी बनाने का, उस पर बातचीत हुई है। साहब आओ, कुछ लोग से बात करते हैं। आप बताइए क्या कुछ बैठक में चल रही थी आज? बैठक में क्या हुआ आज की बैठक? लोकसभा जो की है, कोर कमेटी, लोकसभा प्रवास की बैठक थी। उस बैठक में सभी जिला अध्यक्ष, जिला के प्रभारी, लोकसभा संयोजक, लोकसभा विस्तारक, बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो कि आगामी 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, विरोधी पार्टियों को कैसे परास्त करना, उसके बारे में कुछ बताएगी आप लोगों को कैसे? बिल्कुल, विरोधी यानी हमारे संगठन कैसे मजबूत हो, बूथ जीतो, चुनाव जीतो, ऐसे विरोधी सब पस्त हो जाए। विरोधी है कहाँ बिहार में? लालू यादव कबूल कर रहे हैं कि हम जेल से बात करते हैं, जेल से मंत्री बनवाते हैं। अरे क्या चारा चोर की बात करते हैं, कोई हमारे तो नीतीश जी का जो कि देख ही रहे, उनका भी दिमाग ही जो कि है
उनका याददाश्त शक्ति चली गई है।